अब दिखाते हैं इनको क्या क्या सामान लेके आए अपन। ये देखो कौन कौन सी लाए हूँ, सारी गजक ले आया मैं तो वहाँ पे। वो तो देता है ना कि टेस्ट कराने को, मस्त से सारी गजक टेस्ट करो वहाँ की, फिर लेके आओ जब खानी आपको तोल करा के। अबे साले हाँ वो सही है, देखना बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत अलग अलग है। ये 150 रुपए की गजक है टोटल। ये देखो एक तो ये है मूंगफली पट्टी, खा के देख इसके अंदर स्टफिंग है बहुत तगड़ी। ये है आपका तिलबुक्का, और ये सबसे एंटीक आइटम है जो इसमें है, और ये अपनी नॉर्मल वाली मूंगफली। तो हमारी ये जीन्स, ये देखो भाई जीन्स लेके आया हूँ वहां से मैं। अब बताओ जीन्स कितने की है? 500 रुपए की जीन्स दिख रही है, हमारी औकात देख के बता रहे हैं चाहे 500 रुपए की। शाबाश बेटा, तो तुम क्या 5000 की जीन्स लेके आये हो भाई? मजा आया। पजामा बस बस मेरे लिए कुछ नहीं लाए। कितने के? 200 रुपए के। 100 रुपए के तो देख लो गाइस, देख लो गाइस 100 रुपए पजामे कहीं मिलते हो तो। एक ये लेके आया दूसरे। पापा ये कितने का है? 150 रुपए। दोनों एक से ये सेम कंपनी है। 150 रुपए का ये 150 रुपए। ये इनके कह रहे हैं, मैंने भी प्राइस डिस्क्लोज नहीं करवाया। ये देखिए गाइस मैं फील, ये ले आया मुझे सही लगी है, हल्की भी है कम रेट की भी है। पापा कितने की है? ये रखो खाने पे रखो खाने पे रखो। शूज जो मेरे को काफी ज्यादा, 5000 के जूते, 5000 नहीं 100 रुपए। तो ये शूज 5000 के नहीं है, नहीं है। मेनली बात ये है कि हम 5000 के अभी खरीद नहीं सकते थे, मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती। चार बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो ये शूज मेरे को जो पड़े हैं वो पड़े 1700 के विद डिस्काउंट, मतलब 1700 डिस्काउंट ऐड करके। तो आप रोज पढ़ा करेंगे? नहीं, ये रनिंग शूज है, बहुत हाई क्वालिटी का। रनिंग करी आई है, इसी दिन लगे AC लगा हुआ है। 1 जूता 1700 और कुछ नहीं लाए। और हाँ एक और शूज आपने वीडियो में शायद ये वाले शूज थे, एक ये लाया। ये शूज ऐसे हैं कि बहुत चीप है, बट इनकी जो फिटिंग है और जो इसकी सिलाई बहुत मजबूत है, ये शूज टूटता नहीं है, ये आप डेली यूज में पहन सकते हो आराम से ये शूज को। ये देखो अगली बार से मैं जूते भेजा करूंगा, इनसे मंगवा लेना, रोज इनके मुंह पे लगना है। तो क्योंकि मेरे पास शूज जो थे ना, थे तो मेरे पास बट वो ठीक नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। अरे कहना क्या चाहते हो? मम्मी जल्दी से मेरे लिए खाना लगाइए, मेरे को लग रही है बातें भूख। मेरे को आज पता है 1 घंटा वेट करना पड़ा मैजिक का, बट थैंक गॉड। और बट जब हमको मैजिक जो कार मिल गई थी ना, थैंक गॉड बहुत अच्छे से मिली, वरना ठंड में टुक टुक में बैठ के आना पड़ता और बहुत बुरी मरती, क्योंकि स्ट्राइक हो गई थी एकदम। अब रनिंग पे चलेंगे, मेडिटेशन भी शुरू करेंगे, योगा भी शुरू करेंगे, और अब जिम फिर से स्टार्ट होने वाली है। ये भी रनिंग पे जाया करेगी, मम्मी को कभी टहलने ले जाया करेंगे, पहले थोड़ा देखना है, हिसाब किताब बनाना है, फिर ही कोई काम हो पाएगा। क्योंकि जब से डेंगू हुआ, आपने भी थोड़े टाइम पहले व्लॉग देखा होगा मेरा डेंगू वाला मेरे को, तो उसमें काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। जितनी भी मैंने बॉडी बनाई थी, मेहनत करी थी, सब बिगड़ गई, इसकी भी कंडीशन बिगड़ गई। कभी मेरा फेस इतना हैवी नहीं होता था, या आंखों में थोड़े गड्ढे आ रहे, कुछ हो रहे, काफी इम्प्रूवमेंट था, बट फॉर द टाइम बिंग जो भी हुआ है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक महीना कम से कम होने जा रहा है इस चीज को, और इसको इम्प्रूव करेंगे। तो गाइस कैसे हो सारे? होप अच्छे होंगे। जो स्टोरी शेयर करनी थी वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। उस समय बात ऐसी थी, कुछ आज की मैं बताऊँ आपको। ऑटो वाले के पास बैठा मैं, और जो जानने को मिला वो सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत सीरियस कंडीशन है इस समय इन लोगों की। गाइस जब मैंने उससे पूछा कि भाई आप कितना कमाते हैं पर डे में, तो उस बंदे का रिप्लाई था, सर मैं 200 से 300 रुपए कमा लेता हूँ। मैंने कहा सर इसमें आपका घर कैसे चलता होगा? ऐसी बातचीत हुई और पता लगा जो वो रिक्शा चलाता है, ऑटो बैटरी वाला जिसे हम कहते हैं ई रिक्शा, पता लगा कि वो भी उनका खुद का नहीं है,
उन्होंने वो रेंट पे ले रखा था। रेंट कितना है सोचो, 350 तो वो अपना रेंट पे दे देते हैं। जहाँ पे हम रहते हैं बरेली में रहते हैं, ज्यादा किराया नहीं होता, 10 से 15 रुपए 20 रुपए। आपकी अगर टोटल भी देखेंगे ना, 1000 रुपए उन्हें मिलते हैं, उसमें से 350 वो दे देते हैं। दो वक्त का खाना खाते हैं, वो भी आपके 100-200 रुपए गए, मुश्किल से 300-400 रुपए उनके बचते हैं। क्या होता है इतने में आज के टाइम में, और वो ही सिचुएशन झेल रहे हैं। काफी हद तक इतने परेशान है ना वो लोग, मैं जानता हूँ। आज उनसे बात करी तो अजीब सा लगा। मैं उस बंदे को आज अपने दिल से 200 का नोट दे के आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए भी कितना हैवी था, बट उसकी बात सुन के ना दिल आज बहुत भारी हो गया था। तो ये थी स्टोरी आज, मैं जो उसको कवर नहीं कर पाया, काश उसको ना उसकी बात मैं आपको कवर करके सुना पाता। तो आज का जो सीन था, मैंने काफी सारी साफ सफाई करी है, उधर तो सब मैसी हो रखा है क्योंकि मैंने सब क्लीन करी है, अपनी अलमीरा वगैरह और अपना स्टडी रूम वो सेपरेट कर लिया बिल्कुल। तो ये देखो स्टडी रूम बना है अभी, यहाँ पे मैं मैप्स वगैरह अपने सॉरी ये स्टडी रूम बनाया है मैंने अपना प्रॉपर, देख सकते हो आप। ये अभी थोड़ा मैसी हो रहा है, इसको भी थोड़ा क्लीन करना है, चेयर अपना और ये सब प्रिंटर वगैरह का भी थोड़ा, और ये क्लीन करा है मैंने पूरा। यहाँ पे शूज वगैरह रखे हुए थे, बहुत मैसी था, कूलर रखा था और इसको थोड़ा ठीक करा। बाकी अभी और सेटअप करना है, ये भी क्लीन हो चुका है तो इसके लिए थम्सअप। और हम यहाँ भी साफ सफाई चल रहे थे, इस चीज को इग्नोर कर देना, काफी साफ मिलेगी। और ये भी हमने क्लीन करी है आज बहुत अच्छे से, बहुत टाइम लगा है बट हाँ तब भी मैंने कोशिश करके क्लीन करी है। ये सब मैप्स वगैरह उधर लगाऊंगा, आज काफी काम है। और अब मैंने सोचा था कि हम बैठते हैं वीडियो वगैरह बनाते हैं तो यहाँ लाइट लगा दू। ये लाइट याद होगा आपको, एक ब्लॉग था मेरा एटीएम वाला कि एटीएम कहीं नहीं मिल रहा है, तो वहां से जाके लाइट लेके आए थे, तो कब से लग नहीं पाई थी, आज एक महीना होने जा रहा है उस चीज को। अब फाइनली हम लाइट लगा रहे हैं। It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. हमारी लाइट लग गई गाइस, प्यारी लग रही है, शायद वीडियो में उतनी अच्छी ना लग रही हो ज्यादा ब्राइटनेस के मारे, बट काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो भाई लोग अपनी लाइट लग चुकी है, इसको जला रहे हैं ना तो फेस थोड़ा डल हो जा रहा है और पीछे की रोशनी ज्यादा आ रही है। तो आरुषि मुझसे यही कह रही थी कि भैया लाइट तो अच्छी लग रही है, ऐसी बनाएंगे बिना लाइट खोले। हाँ वरना जैसे और जेन्युइनली अगर ऐसे ही छोड़ दो इसको तो भी अच्छी लग रही है, लाइट जलती रहेगी वो भी सही है। तो अपना काम आज तो हो रहा है एकदम फुल ऑन मस्ती में। आपको कैसे लग रहा है ब्लॉग? एवरीबॉडी आई एम रेडी, ऑल सेट फॉर द डे। डे नहीं, रात हो चुकी है, मतलब शाम हो चुकी है और अभी हम निकलना है शॉप के लिए। अपने पापा ने सब्जी लेने के लिए बुलाया था क्योंकि हम सुबह से सब्जी नहीं लेके आए, हम सुबह से सफाई कर रहे थे। राम राम, आ गए हम। सुबह सफाई चल रही है, देखना घर पर सब लाइट वगैरह सब लगा दी, मस्त सब्जी मिल रही है हमें। बहुत मुश्किल से मिला बट इनसे एक टीओ ले लिया अपने लिए। चलो ये टिफिन उफिन सब लेके निकलते। गाइस घर तो आ गया था मैं आराम से मस्त, पापा की थोड़ी बहुत बातें सुनी, डांट सुनी। तो हमारे साथ हमारी बहन है सोना, तो अभी सोना ने रूम देखा नहीं है क्योंकि बंद कर रखा था, और अब इनका रिएक्शन लेंगे कि स्टडी रूम मैंने चेंज कर दिया। चलो सोना अंदर चलो। अरे क्या बात है, कैसा लगा? हाँ ये मेरी ट्रॉफी है गाइस, ये मुझे मिली थी। मारा थप्पड़ सारी मेरी है, ये वाली मेरी है और ये वाली भैया की है। ये हमारी 10th क्लास की ट्रॉफी है, सो देख सकते हैं आप लोग इन्हें अपने को सजाने के लिए। हाँ जी इसका है और ये भी इसका है। नीचे जो सबसे बड़ी ट्रॉफी रखी वो तो मेरी है। अब बहन को तो जैसे कि दिखा दिया रूफ वगैरह क्योंकि मैंने काफी लाइट इम्प्रूव करी है। एक ये लाइट यहाँ पे सॉफ्ट लाइट लगाई है और ये भी लगी हुई है, एक वाली लगी है, तो वीडियो में भी काफी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और हम भी अच्छे देखेंगे और वीडियो भी अच्छी बनेगी। देख लो चद्दर हमारे पिताजी बिछा रहे हैं बड़े प्यार से। मैंने तो बिछाई नहीं, मुझसे बिछती नहीं है, तो पापा ही बिछा रहे हैं चद्दर। तो गाइस मम्मी ऊपर आ गई थी हमारी प्यारी सी, नहीं है मेरा रो रही है वहाँ पे।
सो फाइनली अब पूरा बिस्तर सेट हो गया, बस मैट्रेसेस का वेट है। फैमिली कैसा लगा आप सबको ये व्लॉग, मेरे को जरूर बताना कमेंट करके। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.